फ्रंट टायर ब्लास्ट हुआ है और ये टायर ब्लास्ट होने की वजह से ये इसकी ये हालत हो गई और है। जो जो भाई छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कारें हैं, जो भी हैं, अभी गर्मी है यार, प्लीज अपने जो हेलो गाइस वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। दोस्तों हम ये वर्कशॉप में बैठे हुए हैं, हम ऑयल चेंज कराने आए हैं अपनी गाड़ी का, चले आपको विजिट कराते हैं उसका भी। और इधर ये स्टार्ट इंजन कर रहे हैं, आपको वो भी व्यू दिखाते हैं इस गाड़ी का। और ये साथ सोदिया नंबर प्लेट गाड़ी है, ये एक्सीडेंट हुई है बहुत बुरी, इसका भी रिव्यू दिखाते हैं आपको। हमारे साथ रहिएगा, जो भाई चैनल पे नए हैं जल्दी से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें कि नेक्स्ट इस तरह की आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए आपको विजिट कराते हैं। हाँ जी गाइस, ये मेरी गाड़ी है साला ट्रांसपोर्ट, हम ये ऑयल चेंज करा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है बरसाला ट्रांसपोर्ट, तो इसका मैं ऑयल चेंज करा रहा हूँ। चलें आपको दिखाते हैं, ये देखें ऑयल खुला हुआ है नीचे और अभी एयर फिल्टर हमने निकाला है, इसको हवा लगाएंगे, दो चक्कर सोदिया के हो गए हैं, एयर फिल्टर को हवा नहीं इस दफ़ा लगाई, तो चलें आए आपको दिखाते हैं जो गाड़ी का इंजन अभी बन रहा है। ये गाड़ी है जी, इसका इंजन जो है मसला कर गया है, वो ये यूएई में सजा में स्टाश वाक के गैराज में खुला हुआ इंजन देख सकते हैं। ये इसका टैपट पैसनी है, चलें आपको इसका इंजन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये भी स्टार्ट इंजन करने लगे हैं, ये आपके सामने हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम करते हैं ये। ये हमारे काशी साहब हैं, ये खोल रहे हैं इंजन को। और ये गाड़ी है जी सोदिया नंबर प्लेट, और इसका एक्सीडेंट हुआ है बहुत जबरदस्त। चले जी, ये इंजन का प्रॉब्लम क्या है ये आपको बताते हैं, साश फाक की जुबान आप सुने, इसको क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या कर रहे हैं ये। अगर किसी की गाड़ी का इंजन वगैरह खराब हो जाए तो ये जिगाड़ भी लगा देते हैं, उधर कबाड़ से अच्छा ब्लॉक उठाते हैं, अच्छा चीजें उठाते हैं कि अगले के पैसे कम लगे, ये कोशिश करते हैं कि गाड़ियों वाले की बचत हो। चले जी साथ से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं? ठीक हैं। इस इंजन को क्या प्रॉब्लम बनी है? ऑयल की वजह से सीज हो गया। जब ये इंजन सीज हुआ तो इसकी क्रैंक भी, कनेक्टिंग रॉड भी, ब्लॉक भी, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो इसका अपना जो इंजन है ये 460 हॉर्स पावर है। अच्छा, तो इसका अपना इंजन जो है 25,000 दिरहम का है। 25,000 दिरहम का? 25,000 दिरहम का। तो गाड़ी वाले के पास जो है ना, उसने कहा कि कम खर्चे में इसको रेडी करो। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने ये 6,000 दिरहम की हाफ समरी ली है। अच्छा, हाफ समरी, इसमें यानी कि क्रैंक, ब्लॉक, ये पूरा कंप्लीट है, स्लीप रिंग कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूरोप की है। ठीक हो गया समरी जो है। तो फिर हम लोगों ने जो है ना हाफ समरी दी है, अभी इसको रेडी कर रहे हैं, और बाकी इसका हेड हो गया, पुराना सामान सब ठीक था, वही पुराने वाला लगा के इंशाल्लाह ताला ये 10-12,000 में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ये वन हो जाएगा गारंटी का। अगर इसका दूसरा इंजन वो 25,000 वाला डालते तो ये बहुत महंगा काम पड़ना था, इसलिए जो है ना ये इंशाल्लाह 10-12,000 में बिल्कुल क्लियर और A1 हो जाएगा। देखें जी, ये साथ शफाक है हमारे, असेंबली भी देख बिल्कुल नहीं है, अच्छा ये असेंबली है जी इसकी। अच्छा देखें जी, जो भी भाई गाड़ियों का काम जानते हैं या ये चलाते हैं या करते हैं, उनको इनके बारे में पता होगा, ये बहुत खर्चे वाला काम होता है और ताशफा की कोशिश होती है कि जिसके जितने पैसे बच जाएं। ये देखें अभी हाफ कीमत में इंजन तैयार करके दे रहे हैं, मुकम्मल इंजन खत्म, कबाड़ से जो इन्होंने सामान उठाया अच्छे वाला, और ये लगा के अभी 25,000 खर्चा आना था उसका 10-12,000 में क्लियर कर रहे हैं, तो ये बहुत खिदमत कर रहे हैं इधर गाड़ियों वाली की। कोशिश करें जो भाई भी इधर यूएई में है, इनके वर्कशॉप का विजिट करें, मैं इनका नंबर स्क्रीन पे अभी दे देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, और किसी भी गाड़ी का कोई मसला हो तो इनके इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं जी, बहुत हेल्प करते हैं, जो भाई किस्तों पर गाड़ियाँ लेते हैं वो बहुत इनके साथ अटैच रहते हैं,
कि उनका कोई भी प्रॉब्लम हो ये हल कर देते हैं, ठीक है। आपको मुकम्मल विज़िट कराया है, तो कोई मसला हुआ तो उस्ताद शफाक के साथ प्लीज़ रब्ता लाजमी कीजिएगा, तो आपको कम प्राइस में अच्छा काम करके देंगे इंशाल्लाह। ये भी बता दो ना, मैं कम खर्च वाले नहीं, ग्रंटेड काम, ग्रंटेड साल कह रहे हैं जी, ग्रंटेड काम करके देंगे और कम खर्चे में, ये इनका बड़ा पान है जी, खिदमत कर रहे हैं आवाम की। हाँ जी गाइस, ये देखें इसकी हालत, इसका ये फ्रंट टायर ब्लास्ट हुआ है और ये टायर ब्लास्ट होने की वजह से ये इसकी ये हालत हो गई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका ड्राइवर बच गया है। ये सऊदीया से आ रही थी दुबई, रास्ते में हुआ है, सऊदीया नंबर प्लेट गाड़ी है लेकिन मुकम्मल बर्बाद हो गई है, अभी इधर रिपेयर होने के लिए आई हुई है। ये देखें इसकी हालत, अल्लाह माफ़ी दे। और जो जो भाई छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, जो भी हैं, अभी गर्मी है यार, प्लीज़ अपने जो फ्रंट टायर हैं उनको नए टायर डलवाएँ, फ्रंट टायर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बैक टायर जो है ना वो फट जाए तो गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, अगर फ्रंट टायर फटेगा तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, बंदे की जान जा सकती है, ये ख्याल किया करें। ये हमारे भाई मज़र उस्ताद हैं। मज़र भाई, ये गाड़ी का क्या प्रॉब्लम बना था? फ्रंट टायर ब्लास्ट हुआ है जी, जो आपको बताया है। अपना स्टाफ का, ये देखें जी, ये बाकी गाड़ियाँ भी काम कराने के लिए आई हुई हैं। बहुत बड़ा सिस्टम ताश पार्क में रखा हुआ है गैराज में, यूएई में ये बहुत मसला है, उनको इधर नया रंग किया जाता है, रंग करने के बाद फिर ये पास कराने के लिए भेजी जाती हैं, नहीं तो ये पास नहीं होती। आज का ब्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका अपना बाबर बरसाला ब्लॉग चैनल आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।